यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 35। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 35। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह सेईर पहाड़ की ओर करके उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और उससे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे सेईर पहाड़, मैं तेरे विरुद्ध हूं और अपना हाथ तेरे विरुद्ध बढ़ाकर तुझे उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। मैं तेरे नगरों को खंडहर कर दूंगा और तू उजाड़ हो जाएगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूं, क्योंकि तू इसराइलियों से युग युग की शत्रुता करता था और उनकी विपत्ति के समय जब उनके अधर्म के दंड का समय पहुंचा तब उन्हें तलवार से मारे जाने को दे दिया। इसलिए परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं तुम्हें हत्या किए जाने के लिए तैयार करूंगा और खून तेरा पीछा करेगा। तू तो खून से न घिनाता था, इस कारण खून तेरा पीछा करेगा। इस रीति से मैं सेईर पहाड़ को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा और जो उसमें आता जाता हो मैं उसको नाश करूंगा और मैं उसके पहाड़ों को मारे हुओं से भर दूंगा। तेरे टीलों, तराइयों और सब नालों में तलवार से मारे हुए गिरेंगे। मैं तुझे युग युग के लिए उजाड़ कर दूंगा और तेरे नगर फिर न बसेंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं, क्योंकि तूने कहा है कि ये दोनों जातियां और ये दोनों देश मेरे होंगे और हम ही उनके स्वामी हो जाएंगे। यद्यपि यहोवा वहां था, इस कारण परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, तेरे कोप के अनुसार और जो जलजलाहट तूने उन पर अपने बैर के कारण की है उसी के अनुसार मैं तुझसे बर्ताव करूंगा। और जब मैं तेरा न्याय करूं तब तुम में अपने आप को प्रकट करूंगा और तू जानेगा कि मुझ यहोवा ने ही तेरी सब तिरस्कार की बातें सुनी है जो तूने इसराइल के पहाड़ों के विषय में कही, कि वे तो उजाड़ गए, वे हम ही को दिए गए हैं कि हम उन्हें खा डाले। तुमने अपने मुंह से मेरे विरुद्ध बड़ाई मारी और मेरे विरुद्ध बहुत बाती कही है, इसे मैंने सुना है। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जब पृथ्वी भर में आनंद होगा तब मैं तुम्हें उजाड़ करूंगा। तू इसराइल के घराने के निज भाग के उजाड़ जाने के कारण आनंदित हुआ, सो मैं भी तुझसे वैसा ही करूंगा। हे सेईर पहाड़, हे एदोम के सारे देश, तू उजाड़ हो जाएगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं।